Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about how to get a job at Pfizer after MSc, B Pharmacy, M Pharmacy and BSc in Production QC एंड क्यू ए डिपार्टमेंट. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें. फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फाइजर है वो एक बहुत ही रेपुटेटेड एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पे आप लोग जो हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं और आप लोग जो हैं एक फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड कराती है. तो आप लोगों को ये यहाँ पे पता होना फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंशियल है, क्रूशियल है. और ये एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी है क्योंकि ये वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है और कोरोना जो वायरस है उसकी वैक्सीन को भी इस कंपनी ने बनाया है. तो आज इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आप लोग कौन कौन से वेज के थ्रू इस बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं जो कोर्सेज मैंने बताए उन कोर्सेज को करने के बाद में. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में जाते हैं लाइक क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन, तो वहां पे आप लोगों को जो एचआर होता है या उस एक सेक्शन का जो हेड होता है जिस सेक्शन में आप लोग जॉब पाना चाहते हैं वो आप लोगों से पूछता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं. तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है. तो इसीलिए हम लोग जो है इस कंपनी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे. तो ये जो कंपनी है ये एक एमएनसी कंपनी है, मैंने आप लोगों को बताया. और ये जो बनी थी वो बनी थी फाउंडेड जो ये हुई थी वो हुई थी 1849 में, अब से 173 ईयर्स एगो इन न्यूयॉर्क सिटी. तो आप लोगों को ये पता चल गया. उसके बाद इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं चार्ल्स फाइजर और चार्ल्स एफ ई हार्ट. तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में आप जान गए. उसके बाद जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है 235 ईस्ट 42 स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स. और ये जो एरिया सर्व करती है वो सर्व करती है वर्ल्ड वाइड. और ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और वैक्सीन्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया. फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में लाइक जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इंजेक्शन, ऑइनमेंट, ईटीसी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं. और अगर आप लोग जो है इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत बड़ी एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो आप लोग भी यहाँ पे जॉब पा सकते हैं. बट इस कंपनी में जॉब पाने के लिए फर्स्ट आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा रेगुलेटरी और डोमेस्टिक जो फार्मा कंपनीज होती हैं वहां से, तब जाके आप लोग इस कंपनी में डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं. और कई कैंडिडेट्स को ये कंपनी आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री डायरेक्ट भी रिक्रूट करती है. बट ये थोड़ा सा डिपेंड करता है उन कैंडिडेट्स के जो उनकी स्किल्स होती है उस पे और उनकी क्वालिफिकेशन पे, और कुछ यहाँ पे लक भी मैटर करता है कि डायरेक्ट आप लोगों को एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई एज अ फ्रेशर. बट अगर आप लोगों को एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिल रही है तो आप लोगों के लिए जो वे मैंने बताया वो बेस्ट है. आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी और डोमेस्टिक जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है वहां पे काम करें, वहां पे एक्सपीरियंस गेन करें 1 to 2 ईयर का, देन आप लोग इस तरह की कंपनीज में अप्लाई करें तो आप लोगों को वहां पे 100% जॉब मिल जाएगी विद गुड सैलरी विद गुड जॉब पोजिशन. तो आप लोगों को ये यहाँ पे पता चल गया. इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो है 41 बिलियन डॉलर 2020 के आंकड़ों के अनुसार या उस डेटा के अकॉर्डिंग. उसके बाद नंबर ऑफ इम्प्लॉइज जो है इस कंपनी के पास में 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो है 78,500 इसके पास हैं. अब कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिन वेज के थ्रू आप लोग जॉब पा सकते हैं? बहुत सारे वेज हो सकते हैं और कुछ आप लोगों को पता भी होंगे शायद, बट यहाँ पे और एडिशनल वेज के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में, जैसे कि मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में बात करता हूँ. और इस इमेज में आप लोगों को इस वीडियो में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सभी वेज, ये ऑनलाइन वेज हैं
और इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ग्लास डोर है, कैरियर बिल्डर है, नौकरी.com है, ट्विटर है, इंडीड है, और आप लोग मॉनिस्टर के थ्रू जॉब पा सकते हैं, व्हाट्सएप कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू आप लोग जॉब पा सकते हैं, साइन.com के थ्रू जॉब पा सकते हैं, टाइम्स जॉब्स के थ्रू जॉब पा सकते हैं, लिंक्डइन पे एचआर की प्रोफाइल से कनेक्ट होकर आप लोग जॉब पा सकते हैं। और आप लोग जो है बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, फार्मा ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आप लोग उन ग्रुप्स में ज्वाइन होकर जॉब पा सकते हैं। और आप लोग जो है लोकल कंसल्टेंसीज के साथ में कनेक्ट होके जॉब पा सकते हैं। जो लोकल कंसल्टेंसीज होती हैं इनकी कुछ फीस वहाँ पे होती है, वो फीस आप लोगों को पे करनी होती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसके आसपास ही प्राइवेट कंसल्टेंसीज जो है अपने ऑफिसेज बना के रखती हैं, उन ऑफिस में आप लोगों को जाना होता है और इनका जो रजिस्ट्रेशन फी होता है उसको पे करने के बाद आप लोगों को ये बता देती हैं कि कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, और आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन ये वहाँ पे दिला देती हैं। उसके बाद जो है रेफरेंस के थ्रू, अपने सीनियर्स के रेफरेंस के थ्रू, जो आप लोगों के सीनियर प्रीवियस वहाँ पे काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं उनके थ्रू आप लोग उस कंपनी में जॉब पा सकते हैं, आप फाइजर में जॉब पा सकते हैं। ओपन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू और ओपन इंटरव्यू सबसे बेस्ट वे होता है। इसमें फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं वो जीरो होते हैं और आप लोगों को डायरेक्ट वहां पे रिक्रूट मिलता है। और ये वे उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा होता है जो फ्रेशर हैं, और फ्रेशर्स को भी जो है वॉक इन इंटरव्यू और जो ओपन इंटरव्यू है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और अपने स्किल्स को वहां पे दिखाने का एक चांस उनको मिलता है। उसके बाद जो है डायरेक्ट मेल के थ्रू आप लोग एचआरस के जो डायरेक्ट मेल होते हैं उनके थ्रू आप लोग जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फाइजर के जो एचआरस हैं उनकी डायरेक्ट मेल आईडी आप लोगों के साथ में शेयर यहां पे करूंगा, और उस मेल आईडी से आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे वो फाइजर कंपनी के एचआरस के साथ, क्योंकि इंडिया में भी जो है फाइजर कंपनी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वहां पे आप लोग जो है अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। उसके बाद जो है आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी जॉब पा सकते हैं। और चिकीज बायोलॉजी चैनल पे एक मुहिम जो है बहुत दिन से चल रही है, और ये मुहिम जो है इसमें मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो है आप लोगों को अवेयर कराता हूँ कि कहाँ पे वैकेंसी है, और आप लोगों के साथ मैं टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे जॉब है, कि आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई कब करना है और कब वहां पे वैकेंसी निकल रही है, ये सब मैं वहां पे बताता हूँ। क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैकेंसी कहाँ पे है, तभी तो आप लोग वहां पे अप्लाई करोगे। तो आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट को, चिकीज बायोलॉजी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग फॉलो जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का या किसी भी कम्युनिटी पोस्ट का आप लोगों को नोटिफिकेशन तब जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।